ओके, तो इस मूवी में तो आपको पता ही है कि आजाद को एज द लॉर्ड कृष्ण भगवान दिखाया गया है, क्योंकि कृष्ण भगवान की तरह आजाद का जन्म एक जेल में हुआ था। और यहाँ पर जब आजाद की शादी हो रही थी, दैनिस सॉन्ग में उसे कृष्णा बोल के पुकारा जाता है। और तो और, ये जवान मूवी 7 सितंबर को रिलीज हुआ था, एंड यू नो कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था। बट जो एक्चुअल डिटेल है जिसके लिए आप इटली सर को मान जाओगे, वो ये है कि यहाँ पर आजाद की शादी हो रही थी एंड टाइम आप देख सकते हो 10 बजे है, और ये सीन 12 बजे की बात की है। एंड यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, मंडे 28, 12 बजे के बाद 28 है, तो 12 बजे से पहले ऑब्वियसली 27, यानि की आजाद की शादी 27 तारीख को हो रही थी। एंड मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कृष्ण भगवान की भी मैरिज 27 तारीख को हुआ था। जी हाँ, मई 27। अब यहाँ पर कौन सा महीना चल रहा है ये तो हमें दिखाया नहीं गया, बट 27 तारीख को आजाद की शादी हो रही थी और इसी सेम डेट पे कृष्ण भगवान की भी हुई थी। तो ये है इटली सर की गॉड लेवल डिटेलिंग, तो यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो विक्रम की स्पेशल ऑप्स की टीम है, इसका नाम है अग्नि, और अग्नि का फुल फॉर्म क्या है, तो अग्नि का फुल फॉर्म है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में ये घोरा विक्रम की इंजर्ड बॉडी को नोटिस करता है, देखता है। वेल, इस सीन में अगर आप घोरे के आई में ध्यान से नोटिस करोगे तो देख सकते हैं विक्रम के बॉडी का रिफ्लेक्शन। वेल, ये एक्चुअली डिटेल नहीं था, एक्चुअल डिटेल ये है कि इन लोगों ने यहाँ पर विक्रम के बॉडी को नोटिस किया था, और आपने भी है ना, मतलब आपने भी यहाँ पर विक्रम के बॉडी को नोटिस किया था। लेकिन स्टार्टिंग में ये जो सीन दिखाया जाता है, आप यहाँ पर डायरेक्टली विक्रम के बॉडी को नोटिस कर सकते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा। That's why I watch 4K version of movies after OTT release. And guys, यहाँ पर इस लड़की का नाम होता है हिलाना, और हेलाना यार, नवंबर का महीना है ना ये। अब वो एक प्रोफेशनल हैकर है। अब वो हैकर कैसे बनी यहाँ पर तो दिखाया नहीं गया, मतलब कुछ ही लड़कियों की पास्ट की स्टोरी दिखाई गई है। हो सकता है कि इस लड़की की और बाकी इन सभी लड़की की पास्ट की स्टोरी शायद हमें जवान 2 में दिखाया जाएगा। आई नो इट्स नॉट एक्चुअली डिटेल, दैट्स व्हाई आई डिडंट काउंट। डिटेल नंबर 2। अब यहाँ पर ये जो पुलिस वाला था, ये अपने यूनिफॉर्म में नहीं था, हो सकता है कि वो अपने अंडरकवर मिशन में था। वेल, इसका प्रूफ देता हूँ, यहाँ पर इनके हाथ में आप एक वॉकी टॉकी को नोटिस कर सकते हैं, यानि कि वो कमांड सेंटर से कनेक्टेड था, और हो सकता है कि उसे इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आज मेट्रो में कुछ ऊट पटांग हो सकता है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर प्रॉपर एक्टिव था। एनीवेज, जो भी हो, बट आप यहाँ पर वॉकी टॉकी को नोटिस कर सकते हैं, यानि कि यस ही वाज ऑन मिशन, यानि कि डेफिनेटली वो किसी मिशन में थे। डिटेल नंबर 3। ओके, तो इस सीन में जब इस पुलिस वाले ने इस लड़की को दबोच लिया था, देन यू कैन नोटिस इन्होंने पैर से इस लड़की का हाथ दबा के रखा था, ताकि ये लड़की हाथ से कोई भी एक्शन ना ले सके। और ये सभी जो डिफेंस मूव है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि उनका नाम है सांगाई और वो एक रियल लाइफ आर्मी ऑफिसर है। डिटेल नंबर 4। ओके, तो ये जो डिटेल है ये मेरा फेवरेट है, और इसके लिए आपको लाइक करना ही पड़ेगा। ओके, तो इस सीन में आजाद इस औरत को शूट करता है, बट हमें बाद में पता चलता है कि ये औरत जिंदा है, यानि कि आजाद का ये फायरिंग फेक था। सो दैट्स व्हाई आप इस सीन में नोटिस कर सकते हैं कि इस गन के बैरल से कोई भी धुआं नहीं निकला है। आपको तो पता ही है कि फायरिंग के बाद गन के बैरल से धुआं निकलती है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी धुआं नहीं निकला था, क्योंकि ये फायरिंग फेक था। तो अगर नोटिस नहीं किया था तो प्लीज यार लाइक कर देना। डिटेल नंबर 5। तो इस सीन में आजाद कहता है कि 10,281 किसानों ने आत्महत्या किया था। वेल, मैं आपको बता दूं, यस इट इज ट्रू, 2019 में एक्चुअली में 10,281 किसानों ने आत्महत्या किया था। बस मिस्टेक ये हो गई, इस मूवी का टाइमलाइन 2022 है, और इस मूवी में किसानों ने लास्ट ईयर यानी कि 2021 में सुसाइड किया था, बट इन रियल लाइफ नॉट 2021, इट्स 2019। एनीवेज, दिस मिस्टेक इज नेग्लिजिबल। 10,281। वेल, ये जो घटना है, ये जो एम्ब्यू बैग वाला घटना है, ये भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हुआ था, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात किया था, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर उस घटना के बारे में यहाँ पर बताऊंगा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उस वीडियो को चेकआउट करना, और बहुत सारे डिटेल्स मैंने वहाँ पर बताए थे, ठीक है। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में ये औरत कहती है, जब आप स्पीच दे रहे थे तब आलिया ने कॉल किया था, और काली कहता है पहले क्यों नहीं बताया। वेल, इस सीन में आप नोटिस कर सकते हैं कि आलिया ने एक्चुअली में कॉल किया था, बट इस औरत ने काट दिया था, बट इस औरत ने उस कॉल को काट दिया था। एंड इस सीन में ये जो क्यूट लड़की थी, ये गिटार वाले बैग में गोला बारूद भर के जा रही थी, मेट्रो के अंदर जा रही थी। एनीवेज, बट इस सीन में ये जो रेडियो स्टेशन वाला सीन था, यहाँ पर ये लड़की एक्चुअली में गिटार बजा रही थी, यानि कि ये जो गिटार वाला बैग है ये प्लान का हिस्सा नहीं था, मतलब इसको आजाद ने जुगाड़ नहीं किया था, ये बैग मतलब इस लड़की का पर्सनल था,
और ये मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज ये डिटेल नहीं था। वेल बढ़ते हैं अगले डिटेल की तरफ। कहा था मैं डिटेल नंबर 6, डिटेल नंबर 7, 6 तो पहले ही बताया, एनीवेज डिटेल नंबर 7। ओके, तो इस सीन में मतलब यहाँ का ब्राइटनेस, सैचुरेशन और जो कलर्स है वो बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है। लेकिन बाद में जो ये सीन होता है, यहाँ का ब्राइटनेस, सैचुरेशन और जो कलर्स है वो थोड़े डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये सीन एक सैड सीन था एंड हम उस सैडनेस को फील कर पाए, दैट्स व्हाई एडिटर्स ने ऐसा एडिटिंग किया। आई नो आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। वेल हियर इज द साइड बाय साइड कंपैरिजन सो दैट यू कैन इजीली जज। डिटेल नंबर 8। ओके, तो अगेन ये डिटेल मेरा फेवरेट है, कसम से आपको मजा आ जाएगा। एनीवेज, तो इस सीन में जब आजाद अपने चेहरे से ये फेक बियर्ड रिमूव कर रहा था, देन उसका ये मूंछ वाला लुक हमें देखने को मिलता है, और ये सेम लुक विक्रम राठौर का था, यानी कि उसके फादर का। मतलब ये उसके फादर के लुक का एक अर्लियर हिंट दिया गया था, और ये इटली सर की बहुत ही स्मार्ट डिटेल है। वेल, अगर आपने द डार्क नाइट देखी है तो वहाँ पर जो ये था जिसका नाम था शायद हार्वी डेंट ही था शायद से। एनीवेज, तो उसका चेहरा एक साइड से जल जाता है, ठीक है, और इसका अर्लियर हिंट हमें पहले ही दिया गया था। सी, उसका वन साइड ऑफ फेस बिल्कुल कवर है, मतलब ये इस चीज का अर्लियर हिंट था। डिटेल नंबर 9। ओके, तो इस सीन में आप यहाँ पर देख सकते हो जस्टिस फॉर इरम डार्लिंग, जस्टिस फॉर इरम, इरम यानी कि ये डॉक्टर, एंड एक्चुअली में ये जो मिशन था ये इनके लिए जस्टिस था, यानी कि न्याय था, क्योंकि वो बेकसूर थी। एंड आप यहाँ पर प्रॉपर प्लान को पहले ही देख सकते हो, लाइक पहले शूट, देन एम्बुलेंस, और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड एट द एंड ये चॉपर। डिटेल नंबर 10। ओके, तो यहाँ मंत्री जी ने कहा था अगर मुझे गोली लगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत नहीं है, नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना, बट जब एक्चुअली में गोली लगी देन उनको यहाँ ले जाया गया था। एंड दिस इज बरसवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मंत्री एक फेकुचंद था। ओके, तो अब बहुत सारे लोग मुझे पागल बोलेंगे, बट मुझे लगता है कि ये एक्चुअली रेफरेंस है। डोंट वरी, मैं इसको डिटेल पे काउंट नहीं करूंगा। यहाँ पर एसआरके कहते हैं आपके पास 5 घंटे एक्स्ट्रा है, और फिर टिक टॉक टिक टॉक। वेल, ऐसा कुछ सेम हमने रावण मूवी में भी सुना था, वहाँ पर रावण ने कहा था तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टिक टॉक ऐसा कुछ था। एंड यहाँ पर ये जो माधवन सर थे वो यहाँ पर एक सॉन्ग गाते हैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, मतलब नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और ऐसा कुछ सेम डायलॉग उन्होंने रावण मूवी के सीन में कहा था। और वहाँ पर संजय दत्त सर का कैमियो था, और यहाँ पर भी, और ये दो चीजें एसआरके की प्रीवियस मूवी रावण का आई थिंक एक रेफरेंस था। और अब देखो इटली सर की बिल्कुल मजेदार डिटेल, यहाँ पर माधवन सर का कंप्लीट नेम है माधवन नायक, उनके सर नेम को जानबूझ के नायक रखा गया है, क्योंकि नायक का हिंदी में मतलब होता है हीरो, और इस मूवी के एंड में हमें पता चला कि माधवन सर सच में एक हीरो थे। लिटरली ये सभी प्लान उन्होंने आजाद के साथ मिलके बनाया था। और यहाँ पर ये जो सीन था, यहाँ पर वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, लिटरली उन्होंने अपना यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है, क्योंकि उन्हें पता है यार अंदर तो अपना ही आदमी है, और उन्हें पता है कि आजाद ना गवर्नमेंट का ना लोगों का नुकसान करेगा, तो फिर यार टेंशन का है, आराम से मजे में जाओ। डिटेल नंबर 11। ओके, तो इस सीन में आजाद कहता है कि मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की लोकेशन ईमेल करी है। एंड इस सीन में लैपटॉप के स्क्रीन में आप एक्चुअली एक ईमेल को नोटिस कर सकते हो, जहां पर शायद अस्पतालों की लोकेशन है, और इसको विक्रम ने सेंड किया था, यानी कि आजाद। डिटेल नंबर 12। ओके, तो इस डिटेल को अगर आप इस मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तभी नोटिस कर पाओगे। तो यहाँ पर जब इस लड़की ने इस सोल्जर के ऊपर अटैक किया था, देन यू कैन नोटिस उसने लात मार के इस गन का डायरेक्शन चेंज कर दिया था, ताकि गोली चले तो उसे लगे ना। तो इटली सर की डायरेक्शन की तो दाद देनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक मिस्टेक है या कोई CGI एरर है, आप खुद नोटिस करना। इस सीन में यहाँ आजाद को गोली लगती है, लेकिन अगर आप मिरर पे नोटिस करोगे देन यहाँ पर कोई भी बुलेट मार्क नहीं होता है, विच इज ए छोटा मोटा मिस्टेक। डिटेल नंबर 13। ओके, तो यहाँ पर ये आजाद और उसकी वाइफ की काइंड ऑफ हनीमून हाउस होती है, और ये शायद जंगल के बीचों बीच है, और यहाँ काले के गुंडे अटैक करते हैं, और ऐसा सेम सीन हमने यहाँ पर भी देखा था। ये विक्रम और उसकी वाइफ की काइंड ऑफ हनीमून हाउस होती है, और ये जंगल के बीचों बीच होती है, और यहाँ पर काले के गुंडे ने अटैक किया था। सो दिस सीन वॉज एक्चुअली फोर शेडोइंग दिस सीन। एंड अगर आप इस मूवी का 4K वर्जन देखोगे देन आप यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट को नोटिस कर सकते हो जिसमें फेक ब्लड भरी हुई होती है। एंड यस, ये शूटिंग के लिए यूज होता है, और इसने अगर गोली चलाया देन गोली यहाँ पर आना चाहिए, है ना, बट गोली ऐसे कैसे जा रही है। एनीवेज, लेट इट गो। डिटेल नंबर 14। ओके, तो इस सीन में विक्रम गन ऐसे पकड़ता है और फिर ऐसे रोटेट करके शूट करता है। वेल, ये जो सीन है ना, इसको हिटमैन अब्सोल्यूशन गेम के इस सीन से कॉपी किया गया है, कॉपी या इंस्पिरेशन जो भी कह लो। और यहाँ पर विक्रम 3 गोली चलाता है। अब वो 3 गोली इस गुंडे के कहाँ पर फायर किया गया है वो यहाँ पर बताया नहीं गया, बट इफ यू विल वॉच फ्रेम बाय फ्रेम देन यू कैन सी
विक्रम ने वो तीन गोली उसके हार्ट पे फायर किया था, यानी कि दिल पे। एंड रिसेंटली आई मूवी लियो का एक मस्त डिटेल बताता हूँ। अगर आपको लियो का फ्लैशबैक याद है, तब वो जब भी किसी को शूट करता है तब वो उसके दिल पे या फिर हेड पे फायर करता है, और इन दोनों जगह पे अगर किसी को शूट किया जाए तो उसकी इंस्टेंट मौत होती है। यानी कि लियो एक शार्प शूटर और एक प्रोफेशनल किलर था। डिटेल नंबर 15। तो इस सीन में काली रशिया में एक मीटिंग अटेम्प्ट कर रहा होता है और वो कहता है, जिस भी जगह हमने फैक्ट्री खोली वो बंद हो गई ड्यू टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। वेल डिटेल यह है, जब इंडिया का मैप दिखाया जाता है और काली कहता है कि इंडिया हमारे लिए सही रहेगा, एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इंडिया यहाँ हरा भरा है और ये बाकी सभी जगह काली के फैक्ट्री से कर्ज हो चुकी है या बर्बाद हो चुकी है। इंडिया अब तक हरा भरा है क्योंकि उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट का कोई भी फैक्ट्री अब तक इंडिया में नहीं खुला है। अगर इंडिया में काली के फैक्ट्री खुलते तो इंडिया का भी हाल कुछ ऐसा ही होता जैसे बाकी कंट्री का है, और ये एडिटिंग लिटरली अमेजिंग है। डिटेल नंबर 16। अब ये जो विक्रम की स्पेशल ऑप्स की टीम थी, यहाँ पर एग्जैक्टली दिखाया नहीं गया कि वो लोग एक्चुअल में क्या थे, मतलब वो NSG, पैरा कमांडो या मार्कोस के सोल्जर्स हो सकते थे। बट इस सीन में अगर आप ध्यान से देखोगे देन यू कैन नोटिस उन लोगों ने अपना भेस बदला हुआ है, मतलब वो डिफरेंट भेस में लाइफ जी रहे हैं, और ऐसा सिर्फ एक रॉ एजेंट ही कर सकता है। जी हाँ, रॉ एजेंट को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपानी पड़ती है, यानी कि ये स्पेशल फोर्स एक रॉ एजेंट्स की यूनिट है। एंड SRK पठान में भी रॉ एजेंट थे, और हाँ पठान का भी डिटेल वीडियो है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। डिटेल नंबर 17। तो ये जो विक्रम की स्पेशल ऑप्स की टीम है, इसका नाम है अग्नि, और अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? तो अग्नि का फुल फॉर्म है एजेंट्स फॉर गुड गवर्नेंस एंड नेटवर्किंग इन इंडिया, और ये अग्नि टीम का लोगो या सिंबल है, और इसके पीछे एक काफी डीप मीनिंग है। ये थ्री लाइन हमारे कंट्री यानी कि इंडिया को सिग्निफाई कर रहा था, और ये शील्ड यानी कि स्ट्रेटेजिक होमलाइन इंटरवेंशन इविल लाइन डिफेंसेस, मजाक कर रहा हूँ यार, और ये शील्ड हमारे देश की रक्षा को सिग्निफाई कर रहा था, और ये जो क्रॉस तलवार है ये इंडियन आर्मी को सिग्निफाई कर रहा था, क्योंकि इंडियन आर्मी के सिंबल में ऐसा तलवार होता है। यानी कि ये स्पेशल फोर्स की टीम हमारी इंडियन आर्मी का एक पार्ट है। एंड गाइस, यहाँ पर विक्रम मिशन में जाते हैं और फिर ये गन फेल हो जाती है, एंड जब ये गन गिरी थी तब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये गन थोड़ी बेंड हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली शूटिंग के दौरान रियल मेटल का गन तो यूज नहीं कर सकते ना, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग प्लास्टिक गन्स। एंड यहाँ पर ये जो गन है, इस गन को पबजी प्लेयर्स आग बंद करके बोलेंगे कि ये M4 है। वेल यस, ये M4 ही है, बट इस मूवी में इस गन का नाम MI-364 बताया गया है, और इसके पीछे एक डीप रीजन है जिसके लिए आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा अगर मैं यहाँ पर बोलना स्टार्ट करूँ तो। एनीवेज, तो ये जो सीन था जहाँ पर काली की इंक्वायरी हो रही थी, यहाँ पर काली कहता है इट्स नॉट मशीन एरर, इट्स एन ह्यूमन एरर। वेल अगर मैं आपको बोलूं कि काली यहाँ पर सही कह रहा है तो आप मेरे को टमाटर फेंक के मारोगे, बट आई हैव रीजन। सबसे पहले ये देखो, ठीक है, ये है बुलेट, और ये जो चीज है ये बुलेट का कवर है यानी कि कार्ट्रिज है। लेकिन इस सीन में जब विक्रम यहाँ पर इस गन को लोड कर रहा था देन यू कैन नोटिस यहाँ पर बुलेट ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बुलेट का कवर है यानी कि कार्ट्रिज है। मतलब जिस गधे ने इस मैगजीन को भरा उसने सिर्फ कार्ट्रिज को भरा, बुलेट नहीं भरा। एंड यस, इट्स एन ह्यूमन एरर। नहीं यार, स्टोरी में इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं हो सकता। यहाँ पर यह मिस्टेक शूटिंग के दौरान ही हुआ है, डायरेक्टर ने सोचा होगा कि कौन इतना जूम करके देखेगा, बट मैं देखता हूँ सर जी, और मेरा काम ही तो यही है। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में जब विक्रम काली की तरफ गन पॉइंट करके फायर करता है देन गोली नहीं चलती, बट यू कैन नोटिस कि विक्रम ने उसके शोल्डर पे एम किया था, क्योंकि अगर बाय चांस गोली चल जाए तो उससे बस काले जस्ट इंजर्ड हो, उसकी जान ना जाए। आपको तो पता ही है कि शोल्डर पे फायर करने से इंस्टेंट डेथ नहीं होती, बट यहाँ पर विक्रम फुल कॉन्फिडेंस में था कि गोली नहीं चलेगी, एंड यस नहीं भी चलती। डिटेल नंबर 19। तो इस सीन में मुराद कहता है वी हैव क्रॉस द बॉर्डर सर, और विक्रम को यहाँ से फेंक दिया जाता है, यानी कि विक्रम बॉर्डर के आसपास कहीं गिरेगा, है ना। तो इस सीन में जब इनको विक्रम की लाश मिलती है देन यू कैन नोटिस ये जगह हमारे बॉर्डर के पास में थे, तो सही है डायरेक्टर ने इस चीज का ध्यान दिया है। डिटेल नंबर 20। तो ये जो जुजू या पुलिस ऑफिसर था, जब ये विक्रम के बारे में रिसर्च कर रहे थे देन उसको ये न्यूज़पेपर मिलता है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो विक्रम को ट्रेडर कहा गया है, ट्रेडर यानी कि गद्दार, और मुझे लगता है कि ये काम काली के मेहरबानी से ही हुआ है, क्योंकि पूरा सिस्टम उसके हाथ के नीचे है, सिस्टम भाई सिस्टम। दैट्स व्हाई आजाद विक्रम राठौर बनता है और लोगों की भलाई करता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो गद्दार नहीं एक अच्छे इंसान थे। डिटेल नंबर 21। इस सीन में विक्रम बाइक को गोल गोल घुमाता है, एंड यहाँ पर आप उसी टायर के गोल गोल निशान को देख सकते हो, जो कि अटेंशन टू डिटेल है, और ये सभी छोटी छोटी डिटेल इस मूवी को परफेक्ट मूवी बनाती है। डिटेल नंबर 22। तो इस सीन में विक्रम ये बाइक चला रहा होता है, बट इससे पहले उसने अपने बाइक को फोड़ दिया था, तो यहाँ पर विक्रम 100% किसका बाइक लिया है, एंड यस यहाँ पर ये बैठा हुआ होता है, यानी कि विक्रम ने इसका बाइक लिया था, एंड मुझे नहीं लगता कि आपने इसको नोटिस किया होगा। डिटेल नंबर 23।
तो इस सीन में सूजी आजाद को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुई हूँ, बाकी सब में फेल। तो यहाँ पर आजाद उसके स्कूल में जाता है और जब वो सिग्नेचर कर रहा होता है, देन यू कैन नोटिस यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स है और टोटल मार्क है जो है 50 और सूजी को इतने इतने मार्क मिले। अब एग्जैक्ट क्या मार्क मिला है वो तो ब्लर हो गया, बट इनका कलर रेड था यानी कि सूजी फेल और ये ब्लू यानी कि पास। तो आप देख सकते हो कि सूजी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुई थी, मतलब सूजी मजाक नहीं कर रही थी, वो सच में एक ही सब्जेक्ट में पास हुई है। मेरे को लगा साली मजाक कर रही है। डिटेल नंबर 24, तो इसमें माधवन सर स्नाइपर को कहते हैं जो भी बाहर निकले भूंडाल साले को, एंड बाद में ये छोटी बच्ची निकलती है, छोटी बच्ची यानी कि सूजी, बट उसके ऊपर फायर नहीं किया गया था क्योंकि IPC सेक्शन डी एक्ट नंबर 247 के मुताबिक 10 साल या उसके नीचे के बच्चे को शूट नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई दे डिडंट शूट। एंड यहाँ पर SRK कहते हैं मुझे सिग्नेचर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ द ऑनरेबल हेड ऑफ स्टेट का। तो ये ऑनरेबल हेड ऑफ स्टेट है कौन? दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट है, और अभी इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है आप मेरे को नीचे कमेंट में बताओ। आई वांट टू नो योर जनरल नॉलेज। और हाँ, ये मत लिख देना कि इंडिया का प्रेसिडेंट है भूपेंद्र जोगी। नॉटी बॉय। एंड मैंने आपको बताया था कि जवान का ये जो विलन है, जो कि शायद जवान 2 का मेन विलन होगा एनीवेज, तो इसका जो लुक है ये काफी हद तक द डार्क नाइट राइजेस के इस विलन के साथ मैच करता है। बट हियर इज अ ट्विस्ट। द डार्क नाइट राइजेस में ये जो विलन था इसका नाम था बेन, और इस रोल को टॉम हार्डी ने किया था। हाँ, हमारे वेनम वाला टॉम हार्डी। और जवान में जिसने ये रोल प्ले किया है उसका नाम भी है बेन। जी हाँ, बेनेडिक्ट गैरेट। एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जवान लियो पठान का डिटेल वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा, मेरी जान, जय हिंद। Yeah.